शासन के झूठे वादे और प्रशासन के ढीले रवैये से परेशान होकर दिव्यांगों ने जिला कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन दिया है और कहा है अगर हमें इसी प्रकार तारीख मिलती रही तो आगामी 22 तारीख को हम गुना से भोपाल के लिए रवाना होंगे। कुछ 11 सूत्रीय प्रशासनिक मांगे हैं इनको कलेक्टर महोदय को अवगत दिव्यांगों ने करवाया। दिव्यांगों ने कहा कि हम हमारी पीड़ा किस तरह से जी रहे हैं आप उसको एक बार महसूस करके देखिए। माननीय कलेक्टर महोदय ने आश्वासन के साथ कहा कि आपकी शीघ्र ही सभी मांगे पूरी होंगी और इस पर गंभीरता से विचार किया जाएगा एवं आगामी समय की तारीख निश्चित करके आपको अवगत करा दिया जाएगा। सर दिव्यांगों की विभिन्न समस्याओं का अवगत कराने जैसे कि दिव्यांग स्वाभिमान यात्रा के 16 दिन जो स्वाभिमान यात्रा 5-6 महीने निकाली गई थी उसके लिए। अच्छा, तो कलेक्टर महोदय ने क्या कहा? उनको जल्द से जल्द कराने की कोशिश। और कुछ स्थानीय मांगे हैं उनके विषय में भी दिया था, उनके विषय में क्या बोला? हाँ, तो यही बोला उन्होंने करवाएंगे स्वाभिमान यात्रा के संदर्भ में और प्लस जो स्थानीय मांगे हैं उनको पूरा करने के लिए। छोटी छोटी मांगे, ज़्यादा बड़ी मांग नहीं है। दिव्यांग लोगों के लिए स्वरोजगार मिल जाए विभिन्न कार्यालयों में और बसों में रियायत मिल जाए तरीके से। और जो पुरानी जो नवनिर्वाचित कलेक्टर महोदय आए उन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया है? उन्होंने बोला कि जल्द से जल्द मांगों को पूरा करने की कोशिश करेंगे।